स्वागत है तुहाडा साडे चैनल पीरी फकीरी नूर विच। साडे चैनल नाल जुड़िया सारिया रूहां नूं जय पीरां फकीरां गुरुआं देवी देवत्यां दी जय सोहणे रब दी सदा ही जय। अज दी वीडियो विच असी गल करांगे कि घर दे मेन गेट वाले स्थान ते पानी पाउण नाल पानी छिड़कोण नाल की हुंदा है। घर दे मेन गेट वाले स्थान नूं पानी नाल सवेरे सवेरे धोण नाल की हुंदा है, इस दे की फायदे हन, जिन्हां कारणां करके घर दे मेन गेट नूं पानी नाल सवेरे सवेरे धोया जांदा है। घर दे मेन गेट वाले स्थान ते पानी पाउण दे पंज बहुत वड्डे फायदे हन। पहला फायदा यह है कि असी जिस भी गुरु पीर देवी देवते नूं मन्नदे हाँ, नाम जाप मंत्र जाप करते हाँ, जोत चिराग करते हाँ, तो वह शक्ति घर विच जरूर फेरा पाउंदी है। गुरु पीर फकीर देवी देवते जिन्हां दी असी बंदगी इबादत करते हाँ, वह साडे घर जरूर आउंदे हन ते उन्हां दा कोई वक्त समा नहीं हुंदा, वह अपने भगतां मुरीदां कोल जरूर आउंदे हन। इसलिए घर दे मेन गेट वाले स्थान ते पानी पाउण नाल उह स्थान साफ सुच्चा ते पवित्र हो जांदा है। इस मेन रस्ते विच्चों ही हर शक्ति ने प्रवेश करना हुंदा है ते बंदगी पाठ पूजा वाले इंसान नूं हर रोज़ दिल दिमाग विच यही सोच रखनी चाहीदी है, यही सोच के मेन गेट वाले स्थान ते पानी पाउणा चाहीदा है कि अज मेरे गुरु पीर देवी देवते ने घर विच फेरा पाउणा है। ते ए गुरु पीर देवी देवते आउंदे भी जरूर ने, पर असी देख नहीं सकते इन्हां नूं, इसलिए इस स्थान नूं पानी नाल साफ सुच्चा ते पवित्र जरूर करना चाहीदा है। दूसरा फायदा यह है कि जो लोग पाठ पूजा करते हैं, भगती इबादत करते हैं, वह जिस भी शक्ति गुरु पीर देवी देवते नूं मनते हैं, तो वह देवी देवते पीर गुरु उन्हां घरां ते अपना पहरा ला के रखते हैं। उन्हां घरां दे मेन गेट ते गुरु पीर देवी देवते अपने दूतां दा पहरा ला देंदे हन, घर दी रक्षा करते हैं। जां फिर पीर फकीर देवी देवते की करते हैं कि साडी पीढ़ी विच होए बजुर्ग जठेरे वडेरे पित्तर जिन्हां ने पाठ पूजा भगती कीती हुंदी है, जो चंगीआं रूहां हन, जो अमर होए हन, जिहड़ीआं रूहां गुरु दे चरणां नाल पीरां फकीरां देवी देवतिआं दे चरणां नाल रह के पाठ पूजा करके अमर होईआं हन, उन्हां दी ड्यूटी उन्हां दा पहरा साडे घर ते ला दिंदे हन। पीर फकीर देवी देवते साडी पीढ़ी विच होए बजुर्ग जठेरे वडेरे पित्तर भगत जिन्हां ने पाठ पूजा इबादत कीती हुंदी है, उन्हां दी ड्यूटी उन्हां दा पहरा साडे घर ते ला दिंदे हन। इसलिए घर दे मेन गेट वाले स्थान नूं सुच्चा पाक साफ पवित्र रखना चाहीदा है, पानी दा छिड़का करना चाहीदा है। यह गल भगती इबादत वालियां दी है, उन्हां कोल ही दैविक शक्तियां आउंदियां हन। फेरा पाउण हर इंसान जां घर विच यह नहीं हुंदा, यह भगती दे चलण वाले रस्ते दी गल है। तीसरा फायदा यह है कि माता लक्ष्मी उस घर आउंदी है जिस घर विच साफ सफाई हुंदी है, जिन्हां दा मेन गेट वाला स्थान साफ पवित्र होवे। जिस रस्ते तो माता लक्ष्मी घर विच प्रवेश करती है, बहुत लोग माता लक्ष्मी दी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जिस घर विच आउंदी है सुख समृद्धि धन दौलत लैके आउंदी है, बाकी सफाई दे विच खुदाई छुपी हुंदी है, वो शरीर दी होवे जां घर दी होवे। चौथा फायदा यह है कि वास्तु शास्त्र दे अनुसार घर दे मेन गेट ते पानी दा छिड़का करन नाल घर विच सुख शांति आउंदी है, घर विच दलिद्रता बीमारी प्रवेश नहीं करदी। वास्तु शास्त्र दे अनुसार घर दे मेन गेट ते पानी दा छिड़का करन नाल चंगीआं शक्तियां
घर विच प्रवेश करदियां हन, माड़ियां शक्तियां गंदगी विच रह के ज़्यादा खुश होंदियां हन। माड़ियां शक्तियां नूं गंदगी ही पसंद होंदी है, इसलिए जिस घर विच गंदगी होंदी है, साफ सफाई नहीं होंदी, उस घर विच माड़ियां शक्तियां नैगटिविटी का तंत्रिक क्रिया का प्रभाव ज़्यादा होंदा है। इसलिए घर के मेन गेट ते गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर के मेन गेट ते पानी पौन नू वास्तु शास्त्र विच बहुत शुभ मनिया जाता है। पंजवा फायदा यह है कि दुश्मन दे कीते कराए यादू टूने का असर घट होंदा है, क्योंकि पानी नू खवाया पीर भी मनिया जाता है। पानी नू पॉजिटिविटी चंगियां शक्तियां दा केंद्र स्रोत मनिया जाता है। जे पानी विच गंगा जल किसी सरोवर या मंत्र जाप नाल अवमंत्रित किए हुए जल नू पानी विच मिला के घर विच ते घर दे मेन गेट ते उस पानी दा छिड़काव हर रोज़ किया जाए, तो किसी का यादू टूना कीता कराया खत्म हो जाता है। किसी तांत्रिक का भी घर ते बुरा असर नहीं होंदा। माड़ी शक्ति घर विच प्रवेश नहीं करती। किसी भी धार्मिक कार्ज हवन पाठ पूजा वेले उस थान नूं पानी नाल ही सुच्चा किया जाता है, पवित्र किया जाता है। इसलिए पानी विच बहुत शक्ति है। इसलिए घर दे मेन गेट नूं पानी नाल हर रोज़ धोना चाहिदा है। मेन गेट वाले स्थान नूं किसे यल नाल जां तुसीं इस तरह कर सकदे हो, किसे धूणे दी राख लिआओ, जो सिद्ध धूणे हुंदे हन जिथे साधु संत रिशी मुनियां ने इबादत कीती हुंदी है, जिवें बाबा बालक नाथ जी दा धूणा है, उस धूणे दी राख लै के आ सकदे हो। जिस तरह पीर निगाहे 41 मलंगां दा धूणा है, तुसीं उस तों भी ओह राख भभूती लै के आ सकदे हो। उस भभूती नूं यल विच पा के तुसीं घर विच और घर दे मेन गेट ते उसका छिट्टा दे सकते हो। इस तरह करन नाल भी किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत कीता कराया किसी का भी असर नहीं होंदा, घर सुरक्षित रहिंदा है। ये सी पंज वड्डे फायदे जिस कारण घर दे मेन गेट ते पानी का छिड़का किया जाता है। मिलांगे दोस्तों अगली वीडियो विच। आप सब नूं सलाम।